साथ तनिषा भारद्वाज। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि NCST में चंद्रसपुर माघर की लक्ष्मी माझी हत्याकांड के संबंध में रायमड़ा जिले कलेक्टर को और SP को अगली सुनवाई तिथि 17 अक्टूबर को अपने समक्ष पेश होने के लिए तलब किया है। आयोग ने भाजपा नेता कालीराम माझी द्वारा दायर शिकायत पर यह आदेश जारी किया है। लक्ष्मी माझी की कथित तौर पर दिसंबर 2023 में हत्या कर दी गई थी। गौरतलब है कि शारीरिक रूप से विकलांग लक्ष्मी माझी का शव दिसंबर में रायगढ़ अस्पताल परिसर से बरामद किया गया। बदमाशों ने उसकी हत्या कर शव को जला दिया था। लक्ष्मी माझी मां घर में काम करती थी। स्वैच्छिक संगठन अनीसा के प्रबंधक नरसिंह महापात्र पर लक्ष्मी माझी की हत्या में भूमिका होने का संदेह था। स्थानीय विधायक और तत्कालीन कानून मंत्री जगन्नाथ सरकार से संपर्क करने पर भी उन्होंने शोकाकुल परिवार की मदद नहीं की। उन्होंने परिवार से यह कहते हुए बात टाल दी कि क्राइम ब्रांच और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरी ओर शोकाकुल परिवार के सदस्यों ने नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से न्याय की मांग की गुहार लगाई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार उड़ीसा की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।